मैं अपने लिए नहीं लेकिन वो करोड़ों खातोदारों के लिए जो महाराष्ट्र में है, मैं उनके लिए अध्यक्ष जी जानना चाहता हूँ कि कैसे दोबारा उस पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से हम लोगों को पैसे मिलेंगे। अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा ये केंद्र सरकार का नहीं विषय है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं और इसके बारे में राज्य की सरकार को ज्यादा कदम उठाने चाहिए। और यहाँ तक कि आरबीआई ने उसमें छूट दी, बैंक की लिमिट भी बढ़ाई कि कितना कितना पैसा निकाल सकते हैं, 75% लोगों को अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। जो बाकी लोग हैं अब तक जो निर्णय हुए जो बाकी है उसके लिए उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अटैच कर रहे हैं, 7 और 8 को अटैच कर रहे हैं। पहले हमको पूछ लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 श्री सुधाकर तुकाराम संग्रे, श्री पीपी चौधरी जी, क्वेश्चन नंबर 7 सर, उत्तर सदन के पटल पर है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से बहुत ही अच्छा जवाब दिया और प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो शिक्षा विभाग काम कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके बारे में मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो नीति आयोग द्वारा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए इवेल्यूशन स्टडी हुई है, उस स्टडी के तहत में गर्ल्स चाइल्ड के ड्रॉपआउट के लिए कक्षा 8 के बाद में बड़ा कंसर्न किया गया है और ये माना गया है कि क्योंकि उनके हायर क्लासेज नहीं है, क्योंकि उसका एक्सटेंशन नहीं है आगे 11th और 12th के लिए, तो उसके लिए जो है पेरेंट्स हैं चाहे प्रिंसिपल हैं चाहे टीचर्स हैं, इन्होंने भी कहा है और कुछ राज्य सरकारों ने ये किया है, लेकिन क्या केंद्र सरकार जो है इनके एक्सटेंशन के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो नीति आयोग ने अपनी स्टडी इवेल्यूशन स्टडी में कहा है वो 11th और 12th क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अक्रॉस द कंट्री बढ़ाने की सोच रही है? हमारी गवर्नमेंट बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत व्यापक स्तर पर तमाम कार्रवाई कर रही है। समग्र शिक्षा के तहत प्राइमरी स्कूल से लेकर और इंटर तक बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों को पोषित किया जा रहा है।